और खाना बन गया? अरे सब कुछ रेडी है, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अरे भाई, बॉस हमारे घर आ रहे हैं तो तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ बोल तो तुम ठीक रहे हो, सब कुछ हो गया है, बस एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? तुम्हें तो पता ही है कि हमारा घर कितना मॉडर्न है, हम खुद कितने मॉडर्न हैं, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारी बुढ़ी माँ, उनका क्या करें? तुम्हें तो पता ही है कि वो कैसे रहती हैं। अगर उन्होंने बॉस के सामने अपना मुंह खोल दिया ना, तो हमारा सारा इंप्रेशन डाउन पड़ जाएगा। और यार उनकी सोच कितनी पुरानी है, तुम्हें ये बात पता ही है, तो क्या करें उनका? बहुत तो ठीक रही है, और वैसे भी बॉस हमारे घर पहली बार आ रहे हैं, अगर इंप्रेशन डाउन गया ना तो ऑफिस में हमारी तरह तरह की बातें बनेंगी। हाँ मैं नहीं चाहती कि हमारा इंप्रेशन डाउन हो और हमारे प्रमोशन पे जरा सा भी असर पड़े। तो अब क्या करें? और कोई रास्ता भी तो नहीं है? एक रास्ता है। कैसा रास्ता? मम्मी जी। हाँ बेटा। मम्मी जी, आप सारा दिन यहाँ घर पे अकेले रहते हो, बोर नहीं होते हो? मेरा मतलब है कि गांव का माहौल थोड़ा अलग होगा ना यहाँ के माहौल से। यहाँ पे तो अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को जानते तक नहीं है। हाँ बेटा, बोल तो तू बिल्कुल ठीक रही है, गांव की तो बात ही कुछ और होती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जो गांव से भी अच्छी है, फिर? अच्छा, कौन सी जगह बेटा? ओल्ड एज होम, यानी कि वृद्धाश्रम। आपको पता है वहाँ पे आपकी उम्र के लोग हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपकी केयर करेंगे। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटा? ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, और इसमें बुराई क्या है, बल्कि इसमें हम दोनों का फायदा है, आप भी खुश रहेंगे और हम दोनों भी। लेकिन बेटा मुझे तुम दोनों से दूर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तुम लोग जैसा कहोगे, जो कहोगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे इस घर से मत निकालो बेटा। मेरा तुम दोनों के अलावा है ही कौन? ओहो मम्मी जी, प्लीज ये ड्रामा बंद करिए आप। हम नहीं रह सकते आपके साथ, हमारा और आपका कोई मैच नहीं है। आपका और हमारा रहन सहन का तरीका भी अलग है। आप थोड़ी सी मॉडर्न होती ना तो मैं सोच सकती थी, लेकिन बेहतर यही होगा कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। बेटा बहू को समझाना, ये ऐसा ना करे। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा करता है क्या? माँ देखो, आज हमारे बॉस आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो, इसमें अच्छा ये होगा कि आप चले जाएं यहाँ से, इसमें हम सबकी भलाई है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये ऐसे जाएंगे, हमें इन्हें खुद छोड़ के आना पड़ेगा। अरे मेरी बात बात बॉस, आप यहाँ? आप तो 2 घंटे बाद आने वाले थे ना। तुम्हारे इन सवालों का जवाब तो मैं बाद में दूंगी, पहले ये बताओ ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मैम वो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही तुम्हारे सामने तुम्हारी मार हो रही है, उनको चुप कराने के बजाय तुम लोग ये बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। मैम आप ठीक तो है ना? आप इनको मैम कैसे बोल रहे हो बॉस? अरे अब ये मेरी मैम है तो मैं इनको मैम नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी। मेरा बचपन गाँव में बीता है, और जिस स्कूल में पढ़ती थी ना मैं, उस स्कूल की टीचर थी मैम। इन्होंने मुझे पढ़ा है, इन्होंने मुझे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिए, बल्कि मुझे ये सब भी बताया कि जिंदगी में क्या करना है और क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तुम लोग अपनी माँ के साथ ये सब कर रहे हो। मैम पहचाना आपने मुझे? हाँ बेटा, तुम वो 6th क्लास वाली सुनीता हो ना? हाँ मैम, मैं वही सुनीता हूँ जिसको आपने पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज इतनी बड़ी कंपनी की ओनर हूँ। मैम ये लोग तो मुझे सच नहीं बताएंगे, आप मुझे बताइए कि ये सब क्या चल रहा था यहाँ पे। बेटा ये लोग मुझे घर से निकाल रहे थे, इन्हें लगता है मेरे इस घर में रहने से इनका इंप्रेशन डाउन होता है, मैं इनके लेवल की नहीं हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे आज जबरदस्ती वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अरे मुझे नहीं पता था इतने भोले भाले चेहरे के पीछे इतनी घटिया सोच है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने पाला पोसा है तुम्हें, इस काबिल यहाँ तक बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, और तुम अपनी माँ के साथ ये सब कर रहे थे। तुम्हें पता भी है तुम्हें कामयाब बनाने के लिए तुम्हारी माँ ने कितने सैक्रिफाइस किए हैं? मैम आई एम रियली सॉरी, अब हम माँ को घर से नहीं निकालेंगे। लेकिन प्रमोशन? प्रमोशन? पहली बात तो तुम लोग ये बंद करो मेरे सामने माफ़ी मांगने का नाटक। अगर तुम लोगों को माफ़ी मांगनी है ना तो मैम से माफ़ी मांगो, तुम्हारी वजह से मैम की आंखों में आंसू है। और हाँ क्या कह रहे थे तुम लोग, प्रमोशन? तो तुम लोगों को बता दूं मैं, तुम जैसे दोगले इंसान और तुम जैसे घटिया सोच के लोग ना, जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ऑफिस में। You both are fired. लेकिन मैम वो चुप, एकदम चुप। वो तो तुम लोग मैम के बेटे और बहू हो, इसलिए मैं कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही हूँ, वरना तुम जैसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए, तब तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। और मैम आप, अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बिना सोचे समझे कॉल कर सकती हैं। मैम मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। हाँ बेटा तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन बेटा इन्हें इन्हें जॉब से मत निकालना, अगर इनके पास नौकरी नहीं होगी तो ये लोग क्या करेंगे? देखा तुम लोगों ने, यही फ़र्क है तुम दोनों की सोच में और मैम की सोच में। तुम लोग क्या कर रहे थे अभी तक मैम के साथ? तुम लोगों ने मैम के साथ इतना बुरा किया,
फिर भी मैम तुम लोगों के बारे में अच्छा सोच रही है, तुम लोगों का भला चाह रही है। वो तो मैम कह रही है, इसलिए मैं तुम दोनों को दोबारा नौकरी पर रखती हूँ। और हाँ, अगर दोबारा मैम के साथ ये सब हरकत हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? मैम रियली सॉरी। सॉरी मैम। कभी भी अपने माँ बाप के भोलेपन का फायदा मत उठाइए। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ देते हैं या आपके लिए कुछ करते हैं तो आपकी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। लेकिन आपके माँ बाप हमेशा आपका साथ देते हैं, आपके पास रहते हैं। तो प्लीज़ उनके भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए, उनके साथ रहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, फिर आपने क्या किया है, कमेंट करके बताइए एक अच्छी सी स्टोरी, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और सुझाव भी दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो सुख आपको आपके माँ बाप की सेवा करने मिलेगा वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग उनकी सेवा कीजिए, उनकी हर एक चीज़ को पूरा कीजिए, उनको प्राउड फील करवाइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं। और अगर आप और अपने आप बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।